करीब 9000 करोड़ से ज्यादा की लागत के 34 सड़क प्रोजेक्ट्स को लेकर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन के जरिए सड़क प्रोजेक्ट की खास बातों की जानकारी साधना न्यूज के संवाददाता आकाश धौलपुरी ने दी। आइए जानते हैं किन किन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। पूरे देश को मिलने वाली है क्योंकि 9577 करोड़। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 9000 करोड़ से अधिक की लागत के 34 सड़क प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। जाहिर तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है और बड़ी सौगात मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को मिलने वाली है क्योंकि 9577 करोड़ रुपए की लागत की 1356 किलोमीटर लंबी 34 सड़क प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद सिंह पटेल सहित प्रदेश के कई मंत्री, सांसद व विधायक शामिल होंगे। ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में शुरू होने वाला है। बता दें आपको कि कार्यक्रम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लोकार्पण कार्यक्रम में इंदौर 6 लेन बाईपास पर स्ट्रीट लाइट व सर्विस रोड का काम होगा। भोपाल ब्यावरा के 4 लेन चौड़ीकरण, ग्वालियर झांसी 4 लेन चौड़ीकरण, मोहगांव खवासा 4 लेन चौड़ीकरण, झांसी खजुराहो 4 लेन चौड़ीकरण, सुजालपुर आष्टा 2 लेन। इसके अलावा जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होना है उनमें ये प्रोजेक्ट शामिल है। बलवाड़ा धनगांव पर नए ब्रिज व 4 लेन चौड़ीकरण, धनगांव बोरगांव 4 लेन चौड़ीकरण, रीवा बेला 4 लेन चौड़ीकरण, नोरादेही सेंचुरी का 4 लेन चौड़ीकरण, माछलिया घाट 4 लेन चौड़ीकरण, माधव नेशनल पार्क के बचा हुआ हिस्सा जिसका 4 लेन चौड़ीकरण होना है, सतना मेहर 2 लेन, सागर मोहारी 4 लेन, बमिटा खजुराहो 4 लेन। इसके अलावा 152 करोड़ की लागत की 310 किलोमीटर लंबी 7 सड़कों का सुदृढ़ीकरण जिसमें इंदौर बैतूल एनएच 47 भी शामिल है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम इंदौर में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और जाहिर तौर पर इसे एक बड़ी सौगात ना सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए माना जा रहा है। इंदौर से वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद राठौर के साथ आकाश धौलपुरे, साधना न्यूज।